अब्राहम के पास आया परमेश्वर का वचन कि मत डर, तुझे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तेरी ढाल मैं हूं, युद्ध में लड़ने वाली ढाल मैं हूं, मैं तुझे विपक्षियों से बचाऊंगा, मैं तुझे तेरे दुश्मनों से बचाऊंगा, मैं तुझे सुरक्षा दूंगा और तेरा बड़ा प्रतिफल भी कौन है, मैं हूं, मैं तेरा रिवॉर्ड हूं, मैं तेरा इनाम हूं। एक बार मेरे पीछे दोहराएंगे, हे अब्राहम मत डर, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर का वचन आज हम सब लोगों से कहता है मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तेरी ढाल मैं हूं, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुझे सुरक्षा दूंगा, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं तेरे साथ में हूं, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। और जब अब्राहम ने इस बात पे विश्वास किया तो उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रही। उसने जितने युद्ध लड़े उसने तो कुछ भी नहीं लड़ा, परमेश्वर ने उसके लिए लड़ा, उसके सारे दुश्मनों को परमेश्वर ने उसके सामने नीचा कर दिया। अब्राहम का सर जीवन भर ऊंचा ही रहा, क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ से बढ़कर परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दिया। और जब हम सब कुछ से बढ़कर परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कामों को करता है। तब वो हमारे विश्वास को देखता है और वो हमसे बहुत खुश होता है, इसका विश्वास तो मुझ पर बहुत ज्यादा है, अटूट विश्वास है। और परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि आपको किसी भी देखकर डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ढाल, आपका किला, आपका दृढ़गढ़ प्रभु यीशु मसीह है और आपका प्रतिफल यीशु मसीह है, आपका रिवॉर्ड यीशु मसीह है। आइए हम सब लोग दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए जो आज आपने हमारे जीवनों में दिया। प्रभु विशेषकर पिता परमेश्वर इस वचन के लिए, जब तू कहता है प्रभु मत डर, प्रभु हमारे दिलों में बहुत प्रकार के डर होते हैं प्रभु, लेकिन तेरा वचन आज हमारे पास पहुंचा कि मत डर, तेरी ढाल मैं हूं, तुझे सुरक्षा देने वाला मैं हूं, तेरे साथ में मैं हूं, तेरे दुश्मनों से लड़ने वाला मैं हूं, तेरी ढाल मैं हूं, तेरा किला मैं हूं, तेरा दृढ़गढ़ मैं हूं और मैं तेरा रिवॉर्ड हूं, मैं तेरा प्रतिफल हूं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। प्रभु हम इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। उन्हें पाए खुदावन, ये वचन हम सबके हृदयों में, यह हम सबके हृदयों में कार्य करे प्रभु जी और हम इसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें। प्रभु जब हमारे पास कोई ऑफर आए प्रभु जो तेरे खिलाफ हो, जो तुझे महिमा न दे प्रभु पिता, हमें वो याद देना कि हम उस ऑफर को ठुकरा सकें। प्रभु जी हम अपने जीवन में तुझे सबसे ज्यादा महत्व दे सकें, तुझे सबसे ऊंचा स्थान दे सकें। प्रभु जी धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।